सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मकर राशि मकर लग्न वालों का, दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में केतु विराजमान है, थोड़ा सा तबीयत बिगाड़ सकती है ये, क्योंकि लग्न भाव में जब भी केतु विराजमान होते हैं तो तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं और ये लगभग रहेंगे अभी एक साल तक। तो आपको छोटी मोटी पेट की बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे जो है आपके मन के अंदर यानी कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर या मन हमेशा चिड़चिड़ा होना ये प्रतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही सावधान तरीके से रहना पड़ेगा। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय शनि जो है जो खुद लग्नेश भी हैं द्वादश भाव में चले गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि तबीयत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी या ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, तो सावधान रहिए। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश जो है वो दशम भाव में विराजमान है, तो पराक्रम तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काम की जगह पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से दे पा रहे हैं। चतुर्थेश वो भी दशम भाव में विराजमान है, तो अगर आप किसी भी तरह का ऐसा प्लानिंग कर रहे हो जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने का या डील करने का, तो कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग रियल स्टेट ब्रोकर्स हैं उनको इस महीने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चतुर्थ भाव में चंद्र भी विराजमान है, तो काफ़ी अच्छा सा एक आपका फोकस बना हुआ है, लेकिन कभी कभी मन जो है वो थोड़ा इधर उधर डगमगा भी सकता है। हालांकि सप्तक मतलब चंद्र से सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, गुरु की दृष्टि बनी हुई है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा सा एक सिचुएशन है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपना काम करते रहना चाहिए। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचमे शुक्र जो है वो चले आए हैं एकादश भाव में, सूर्य द्वारा कंबस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे जो हैं आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो करें परफॉर्मेंस भी अच्छा दे, बट उनको आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। जितना वो मेहनत करेंगे उससे 50% उनको रिजल्ट मिल सकता है। स्पेशली विद्यार्थीगण वो भी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे, हालांकि वो पढ़ने के लिए बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, टाइमली सब कुछ करेंगे, बट उनका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं होगा। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश बुध जो है वो द्वादश भाव में विराजमान है, तो शत्रु जो है वो आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आपको बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ बनाए बनाए काम शत्रुओं द्वारा खराब हो सकता है। इसलिए किसी भी काम को कंप्लीट करने से पहले किसी को भी ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस ना करें। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, तो पत्नी से थोड़ा बहुत खिटखिट हो सकती है या पत्नी थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है, यानी कि लाइफ पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, तो उस ओर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टमेश सूर्य जो है वो एकादश भाव में विराजमान हो गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि अचानक से धन लाभ हो आपको, किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में अचानक से वृद्धि हो जिससे जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आप बिल्कुल सावधान रहिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश जो है वो बुध वो द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर हो सकता है विदेशों से कोई लाभ हो या कुछ ऐसे ज़रूरी काम पड़ जाए जिस वजह से आपको इंडिया से बाहर जाना पड़े या आप जिस स्थान पे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े। दशम भाव में मंगल और गुरु विराजमान हैं और दशमेश शुक्र जो है वो एकादश भाव में हैं, तो यहाँ पर काम की जगह पे बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस बना हुआ है। बिल्कुल फोकस होकर काम करते रहिए और आप जो भी काम करें बिल्कुल अलर्टनेस के साथ करें, क्योंकि शत्रु जो है आपके काम की ओर अपनी निगाह बना के रखे हैं, तो उस ओर आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। एकादश भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, इनकम ठीक ठाक हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप काम करेंगे बट पैसा आपको ना मिले उस ओर, मतलब जो आपने काम किया जो आपने परफॉर्मेंस दी उसका सही से आउटपुट नहीं मिले। द्वादश भाव में शनि और बुध विराजमान है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको विदेश जाना पड़े, बाहर जाना पड़े या काम के प्रेशर की वजह से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है, तो इस ओर आपको बिल्कुल सावधान रहना है और अलर्टनेस के साथ ये महीना गुजारना है। विशेषकर आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, अपना फोकस बनाए रखिए और किसी भी सीक्रेट को किसी से भी जल्दी शेयर ना कीजिए।
तो दोस्तों ये था मकर राशि मकर लग्न वालों का दिसंबर का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।